ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਨਵੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ समर्थन दिता जा रहा है। यह बयान दिता है राओ साहब दानवे ने, जिस तो बाद बीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अजिहा ना बोलिया जाए, एक गलत है, अजिहा बोलना गलत है। एक होर केंद्रीय मंत्री का किसानी नु लेके बयान आया है। केंद्रीय मंत्री है राओ साहब दानवे, जिन्हों का बयान आया है कि जो किसानों के वालों अंदोलन किया जा रहा है वो पाकिस्तान और चीन के वालों शह दिए जाने किया जा रहा है। जिस तो बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने आख्या कि अजिहा ना कहा जाए। राव साहब दानवे ने बुधवार को औरंगाबाद में यह बयान दिता है। किसान अंदोलन कमजोर करने वास्ते, उसनों तोड़न वास्ते बार बार कभी उसनों खालिस्तानी चोला पहनाया गया, कभी उन्हें इंटरनेशनल चोला पहनाया गया। और हुण केंद्र के एक वजीर राओ साहिब दानवे ने इतों तक कह दिता कि किसान अंदोलन के पिछे चाइना ते पाकिस्तान। किड्डे शर्म की गल आ, अन्नदाता नूं देश दे प्रति गदार साबित करन पिछे सरकार तरलो मच्छी हो रही है। सरकार अपनी पूरी जान लगा रखी है भी किसी तरीके जिहड़े किसान सड़कां ते बैठ के अंदोलन कर रहे हैं, ठंड च मर रहे हैं, जिहड़े शांतिपूर्वक देश दे कोल अपनी मंगा मनाउण वास्ते देश की सरकार कोल बैठे ने, उन्होंने एंटीनेशनल प्रूव करो। और हुण जिस किसान का बेटा बॉर्डर ते शहीद होवे, उस किसान नूं इह कहा जांदा कि किसान अंदोलन नहीं, यह चाइना और पाकिस्तान का अंदोलन है। और यह भी कोई होर नहीं कर रहा, केंद्र के वजीर कह रहे हैं। असीं दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कड़े शब्दों च इसकी निंदा भी करती है और यह कहना भी चाहती है कि जिन्नियां मर्जी कुछियां कोशिशां कर लो, किसान अंदोलन नूं तुसीं एंटी नैशनल नहीं साबित कर पाओगे। तुसीं अगे कई अंदोलन नूं एंटी नैशनल साबित करके रद्द कराया है, पर यह कानून जिहड़ा है यह रद्द होगा, यह किसान दे हक अंदर होगा। और किसी भी सूरत अंदर सरकार लख कोशिशां कर ले, पर किसान किसान रहेगा, एंटी नैशनल तुसीं साबित नहीं कर सकोगे।